सचिन और सीमा का विवाद एक तरफ, लेकिन मिथिलेश भाटी का वीडियो एक तरफ जो लगातार वायरल हो रहा है। और हमारे साथ मिथिलेश भाटी और गीता भाटी दोनों बातचीत के लिए हैं। मिथिलेश जी, सबसे पहले आपको क्या याद आता है जब सचिन की बात होती है? लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, नॉर्मल सी बात है। इसको देख के कौन कह देगा प्यार में, और इससे प्यार करेगा कौन बेचारे से? इसके प्यार में तो एक महिला चली आई 4 बच्चों को लेकर। भैया वो प्यार में नहीं आई है, वो बेकार है, बकवास की बात है। एक बात बताइए, पहला प्यार इसको हैदर से हुआ था मिस कॉल पे, प्यार नहीं हो गया? ये प्यार का भी नाम बदनाम कर रही है ये चारों तरफ से। एक बात बताइए, क्या नफरत में कोई बच्चे पैदा करता है? इसने 4 बच्चे पैदा किए, वो प्यार नहीं था क्या? था वो, बिना प्यार के बच्चे पैदा करता है क्या कोई? दूसरी बात, इसे फिर प्यार जागा तो अब की बार हमारे यहाँ, वहाँ पे पाकिस्तान में आदमी नहीं थे क्या? कहाँ गए पाकिस्तान के मर्द सारे? कहीं चले गए हैं विलायत में? ये पबजी खेल के चली आई, आपको पबजी पता है क्या होता है? पबजी पता है भैया क्या होता है, लेकिन पबजी खेल के कौन आता है? सचिन तो कह रहा था मैं तो खेलता ही नहीं था, सीमा जी खेलती थी, तो फिर किसके साथ खेलती थी भैया? ये तो खेलती किसी और के साथ ही चली आई, क्या पता? कह रही है मेरे 4 बच्चे थे, मेरे को हैदर छोड़ के चला गया था 2019 में। अब 19 में छोड़ के चला गया, तुझे 4 बच्चों पे से इतनी फुर्सत मिल गई कि तू रात दिन पबजी भी खेलती थी, रात दिन वीडियो कॉल पे भी रहती थी, और बच्चों को भी संभाल लेती थी अपने आने शानों को। एक नॉर्मल सा महिला का काम होता है अपने बच्चों को देखभाल करना, खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, कुछ तो काम करती होगी। अब सिर्फ फ्री फायर में बच्चे कौन देखता था फिर, तेरे बॉयफ्रेंड? गीता जी मल्टी टैलेंटेड है सीमा? हाँ बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड है, वो तो इतनी मल्टी टैलेंटेड है कि उसने शहर की महिलाएं फेल कर दी। वो एकदम एक्सपर्ट है, इतना उसे ट्रेनिंग मिली हुई है कि वो एक एक शब्द, एक एक चीजें हिंदू संस्कृति के विषय में, हर चीज को कैसे किसी को रिझाना है, कैसे किसी को इमोशनल टच देना है, वो सबको अपना बना लेती है। आप उसके पास जाएंगे और आप उससे कुछ कहेंगे ना, तो वो आपकी भी भाभी बन जाएगी। झिंगुर और लप्पू मतलब क्या होता है ये बताइए हमारे दर्शकों को। झिंगुर का मतलब होता है बारिशों का मौसम है, अगर हम कपड़े ना सुखाएं ना तो उनमें कॉकरोच पड़ जाते हैं। देखा होगा आपने के बेड में भी और वैसे भी बिस्तरों में कॉकरोच टाइप हो जाते हैं। और रहा लप्पू का, नॉर्मल सी बात है, सचिन को देख के तो लप्पू ही शब्द याद आता है, क्यों बोलनवा पे आवे ना, बोलवा पावे ना, नॉर्मल सी बात है। और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा तो सीमा हैदर पकड़ती है, हाथ भींच देती है, मुंह पे उंगलियां फिराती रहती है। इसको कहते हैं हमारी भाषा में छिछोरपंती, इसको प्यार का नाम ना दे सकते आप? आप भी मुस्कुरा रही हैं, आप क्या बताएंगी इसकी परिभाषा लप्पू और झिंगुर? झिंगुर होता है, कॉकरोच अलग चीज है, झिंगुर अलग चीज है। झिंगुर इस समय में बहुत ज्यादा हो जाती है, जरा सी कोई भी कोई चीज रखी हो उसके आसपास होता है, वो उड़ते हैं यानी कूदते फिरते हैं। झिंगुर का मतलब है कि वो लप्पू सा सचिन झिंगुर सा के मतलब वो उछलता रहा और उछलते उछलते पाकिस्तान से एक महिला को बुला लिया अपने उस झिंगुरपने में। उसने आगा देखा ना पीछा, उसे पता चलेगा जब इसका रिजल्ट निकल आएगा, असली परख और पहचान तो उसे तब होगी। ये लव स्टोरी आप को समझ में आ रही है, जो लव स्टोरी का नाम दिया जा रहा है दोनों की, सचिन और सीमा? एक बात बताइए भैया, कोई भी है नॉर्मल एक इंसान, अगर एग्जाम्पल कह रही थी कि मुझे दुखी करता था हैदर, ठीक है, अगर कोई दुखी करता है तो, और बाई चांस उसे भागना भी पड़े घर से 1%, हालांकि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन अब होने लगा जब से सीमा आई है, ज्यादातर पाकिस्तान जा रही है हमारे यहाँ की लड़कियां। अगर भागेगी तो दूसरा बंदा वो देखेगी कि मुझे थोड़ा सुख मिले, कोई दिक्कत ना हो कहीं पे जाके। ये कह रही है प्यार में आई है, इसने प्यार में देखा क्या? घर है, सिकल सूरत है उस बच्चे की जिसके प्यार में आई है, अपने से आधे उम्र से तू अपने बेटे से प्यार कर रही है, 4 बच्चे तेरे हो गए बिना प्यार के, वो भी 10-10 महीने के गैप में। बच्चे उसके देखो 9-10 साल से नीचे नहीं है, लेकिन उनमें सिर्फ 9-9, 10-10 महीने का गैप दिखा रही, बच्चे इसके हैं। सचिन के पासपोर्ट में जो उम्र है उसके हिसाब से वो 21 साल की सीमा। अजी सीमा की छठी ना पुजवा दे हमारे यहाँ पे, 21 साल की है, 4 बालक का पड़ोसी के कर लाइए, किसके उठा लाइए, या के हैं या ना है, इनकी डीएनए टेस्ट। 10 साल की उम्र में शादी हुई होगी, 4-6 साल में बच्चे भी पैदा करे होंगे, तो होगी 21 साल की। 3 ही आईडी है उसकी, तीनों निकल के आ रही है, एक में 29 साल आ रही है, एक में 21 आ रही है, खुद वो 27 बता रही है। वो गारंटी से 35 से
37 और 38 साल की उम्र है उसकी, वो सचिन से प्यार के चक्कर में ना आई, वहां मौज मस्ती करके पेट भर गए, और गारंटी ये चीज की ना कहती कि वो है जासूस, जासूस हो या ना हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करने आई है। ये बच्चे इसके हैं या ना है, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, हैदर के ब्लड ग्रुप ब्लड मंगाओ और उससे इसके डीएनए टेस्ट करवाओ। आज तो हैदर भी कह रहे हो कि जब सीमा यू कह रही है कि मैं 4 साल में कभी आयो ही ना, तो यू चौथी लड़की किसकी है, अब तो इसको पति भी सवाल पूछ रहे हो। दूसरे देखो, कहना बहुत आसान है और करना बड़ा मुश्किल है। ये 32 घंटे वो जवान चला देती है ना, बैठ के कहती है, आप जैसे बंधु से कह रही है कि मैं 32 घंटे पबजी खेलती थी। मूर्ख महिला, पहली बात तो 24 घंटे से ज्यादा नहीं होते, 24 ही होते, उसमें तू 24 घंटा खेले, 4 घंटा खेले, अगर तू 24 घंटा या 32 घंटा खेले ही, तो तेरे इन बालकन ने कौन से आशिक संवार रहे, कौन संभाले, कौन इन्हें खिलावे, कौन नहलावे, कौन घर का काम करा था, क्या करते थे, और वहां में तू नाचने भी चली जाई, तू वीडियो भी बना ली, तू डांस भी करे, और तू सचिन ने पाकिस्तान भी दिखा ली। पाकिस्तान का तेरे घर के भीतर बैठो क्या, आ जा और दिखा दे, वह के कमरे में पाकिस्तान था क्या, या फोन लेके भगी डोले सड़कन पर, पाकिस्तान है, देखो सचिन, सचिन देखो ये पाकिस्तान, और सचिन कह, देखो सीमा ये हिंदुस्तान। इन नौटंकी ने बंद करें, वो इन्हें बंद करें नौटंकी ने, देश की जो एजेंसियां हैं वो जल्दी अपनी जांच खत्म करें। ये स्पाई है, ये एजेंस है, एजेंट है, जासूस है, जो भी हो, लेकिन इसका दुष्प्रभाव युवा पीढ़ी पे पड़ रहा है, और पाकिस्तान अपने षड्यंत्र से बाज नहीं आ रहा है। एक महिला को वहां बुला लिया गया, अब वो कभी आ नहीं पाएगी, आए तो वो अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान उसका स्वागत नहीं करेगा। फिर और बच्चियों का ब्रेन वॉश करके उसे बुलाया जा रहा है, कहां गए वो डकैत, ब्लूच के डकैत कहां चले गए, ब्लोच के, ब्लूच के कहां के, वो सिंध के जो कहते थे छीमा को दो, छीमा को दो, अरे फूफिया भूल गए, अरे कमे हो कहां मर गए, अब कहां रह गए। एक अंजू के फंसा के बुला लेने से वो सब मर गई, सब दफन हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पूरे देश का ध्यान हटाने का प्रयास है। अगर ये सीमा कुछ करती है तो क्या वो लप्पू सो सचिन बार बार कहेंगे लप्पू, बार बार कहेंगे झींगुर, क्या वो उसको रोक पाएगा, क्या वो उनका खानदान भी मिलकर रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। आपने सचिन को लप्पू और झींगुर कहा है, सीमा को क्या कहेंगे? सीमा कहते हैं ना दीवार पे चलने वाली छिपकली, बिना दुम की कुतिया, क्यों जगह जगह घूम के आ रही है। दुबई में भी इसने जो कि डांस वगैरह किया, वहां पे भी इसके आ रहे हैं आशिक वगैरह निकल के, तो हमारे नजरिए में इसको औरत नहीं कहेंगे। जो जगह जगह जा रही है वो महिला नहीं हो सकती, और फिर हमारी संस्कृति में ये नहीं है कि एक छोड़ एक पकड़ा, एक छोड़ एक पकड़ा, ये अच्छी बात। चीज बताइए, जिस तरीके से क्रेज देखने को मिल रहा, बताया जा रहा है रघुपुरा में हर लड़का जो है वो पबजी खेल रहा है, ऐसा है? तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जब बच्चों के सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे, और बुजुर्ग से लेकर बड़े से लेकर सब लोग, और भैया हिंदुस्तान में ये कहावत है कि दूसरे की बीबी और अपने बच्चे पसंद होते हैं मर्द को, लेकिन हर मर्द को नहीं, जो व्यक्ति दिल फेंक होते हैं उनको, और इस समय मजमा है रघु सचिन सचिन का, सचिन सचिन दिल फेंक है सचिन, अजी वाक दिल ही कहाँ बेचारे पे, वाकई दिल होगा कहीं बॉडी में लग रहा है, अभी तो दिलाने की उम्र ही ना, बाकी पहले तो ही फंसा लिया बेचारा। और दूसरी बात, यहाँ का असर यू पड़ रहा है कि 11 साल को भी कह रहा है मैं पाकिस्तान से बहू लाऊंगा, और जब बुढ़े मराठान में जाने को तैयार है ना, टांगन लटका के कब्र में बैठे हैं, वो भी यहाँ कह रहे हैं प्यार में आई है। और भैया देवरन को और युवा पीढ़ी को तो आप देखोगे एग्जाम्पल, तो वो तो अलग ही है, वो तो अलग ही तरीका से हाथ, पूरा की तो पूरी भाभी बन गई, पाकिस्तानी भाभी, पूरे रघुपुरा की नहीं बनी है, ये गलत बात है, कुछ चंद लोगों की, जो उनके आपस के लोग हैं, जो मुंह पे बैठ के खड़े होकर मजाक ले रहे हैं। पिक्चर भी साइन कर ली, अमित जानी जल्दी फेमस होना चाहे हो, वो जो उदयपुर का जो टेलर था उसको जो सर तन से जुदा करके मारा था, उस फिल्म को कोई देखता या ना देखता, सीमा हैदर का नाम जुड़ेगा तो शायद उसे देखेंगे लोग, अंधे होकर भगने की कोशिश करेंगे। बताओ पिक्चर बनने, पिक्चर ऑफर हो गई सीमा को, क्यों सीमा के क्या 4 हाथ पांव है भैया, 4 सिर है इंडिया में, औरत नहीं जो ये नहीं, कोई अमित जानी लिख के दे दे, भाई साहब जी हमारे जो फिल्म ऑफर करने आए ना,
कि सीमा अकेली आई है अपने बच्चों के साथ, उसके साथ कोई जासूस या कोई भी नहीं आया, या फिर उसके आस पड़ोस वाले दे दें लिख के हाँ जी सीमा बिल्कुल निर्दोष है, हम भी कह रहे हैं सीमा निर्दोष, चुनाव भी लड़वा देंगे अजी ऐसी तैसी लड़वा देंगे, कुछ भी ना लड़ेगी। अरे तुम भी चुनाव लड़ लीजियो और योगी बन जाइयो और प्रधानमंत्री बन जाइयो, सीमा भी बन जाएगी, तुम भी बन जाइयो, ऐसे भोंसने थे और भोंकने थे कुछ ना हो। अभी बहुत बैठे हैं सरकार में, जा दिन योगी बाबा को डंडा चलेगो ना, सबरे चुनाव लड़वा देगो, तुम्हें भी लड़म बनवा देगा, हीरोइन भी बनवा देगा तंदेर में भाई, योगी बाबा को इंतजार है तन्नक हमें भी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए ये मिथिलेश भाटी और गीता भाटी थी, गांव की हैं, तमाम सवालों पर जवाब दिया और अपनी पुरानी बात जिस पर जिसको लेकर ये वायरल रही है वो भी न्यूज 18 से साझा की। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, गौतम बुद्ध नगर।